हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखो, आज आपणकर क्लास नंबर 6 इंग्लीश रो ऑस्टेट पे आपण माने प्रिपरेशन करथुवे। तो हमर पांचटा क्लास हमें कवर करथिलु, आज होछि क्लास नंबर 6, जोटि हमें कंडीशनल कवर करिवु इफ क्लॉज मेन क्लॉज विषय रे। तो देरी न करी स्टार्ट करिवा। देखो तो आगे कंडीशनल किछि रूल कांसेप्ट विषय रे जानिबा, तापर प्रैक्टिस क्वेश्चन को जिबा। ठीक अछि, एटा आपणकर कंप्लीट वीडियो रहइबो, तो आपण पूरा क्लासटा को देखिया पाई ट्राए करेंगे। ठीक अच्छे, तो कंडीशनल देखते ये टेन्स रोटे पार्ट बा टेन्स रे इनक्लूड आसे। गोटे सैड्रे आपणकर इफ क्लोज थाए, गोटे सैड्रे इफ क्लोज, आ गोटे अदर सैड्रे आपणकर मेन क्लोज थाए। तो दीटा क्लोज रहिला, हाँ आगो पचो किछि भी रही पारे। आपण कहिबे कि सर एपटे इफ क्लोज रहिबो, रही पारिबो, एपटे मेन क्लोज रहिबो, रही पारिबो। तो आगो पछो मायने रखेनी, इफ क्लोज माने गोटे रे कंडीशन थिवो आ मेन क्लोज रे आपण ये करिवे। तो इफ भलिया आउ कोन कोन कनेक्टर लगे परिवे, इफ भलिया आपण व्हेन लगे परिवे, आफ्टर लगे परिवे, बिफोर, सपोज लगे परिवे, अंटिल, अनलेस, ये सब वर्ड यूज कर पारे। माने इफ रो जहाँ फंक्शनिंग इफ भी कंडीशन को बुझाए और ए वर्ड माने भी कंडीशन को ही बुझेबे। ठीक अच्छे, तापर देखु आपणकर अंटिल आउ अनलेस ए दुईटा वर्ड नॉर्मली इंग्लिश ग्रामर रे नेगेटिव मीनिंग कन्वे करती। तो यांको साइड रे जोटा रहिबो माने एटा कंडीशनल पार्ट, यांको साइड रे जो जे कोनोसी नेगेटिव वर्ड रहिबोनी माने नॉट रहिबोनी। अनलेस अनलेस आउ अंटिल ऑलरेडी नेगेटिव, से मानको साइड रे आउ नॉट रहिबनी माने अप टू कमा जाऊ हो कि फुल स्टॉप, तो तांको साइड रे आउ नॉट लागिबनी माने ऑलरेडी नेगेटिव। ठीक अछि, नेक्स्ट देखिबा कंडीशनल रे केते कोन टाइप अछि। तो कंडीशनल जानिया पूर्वरु आपनको आगो जानिबा को पड़िबो टेंस रो बेसिक फार्मूला, माने आपनकर प्रेजेंट सिंपल रो बेसिक फार्मूला कोन। तो एगुडा आपन टिके ध्यान दे देखिए। तो देखो तो स्टार्ट करिबा कंडीशनल लो, फास्ट होची टाइप जीरो, तार चारिटा टाइप अच्छे। तो जीरो रु स्टार्ट हुए, फास्ट टाइप टा आपनकर प्रेजेंट सिंपल लो यूनिवर्सल ट्रुथ को बुझाए। कहा को बुझाए? यूनिवर्सल ट्रुथ, जोटि आपनकर प्रेजेंट सिंपल आप यूज करती रेगुलरली। यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ, सब किछि हे परिबो माने प्रेजेंट सिंपल लो ए ट्रुथ एक्शन को बुझाए। तो आपण जेतेबेळे टाइप जीरो रे करिवे आपणकर फास्ट फॉर्मूला होची इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन और वी एस, माने इफ पार्टा जदि ए टाइप रो थिवो ताले आपणको मेन पार्टा केमिति फॉर्मेट रे लिखिते पड़िबो, सब्जेक्ट प्लस वी वन और वी ए। जेमति मु गोटे एग्जांपल दउची आपण माने बुझी परिवे। सपोज एग्जाम रे आपणको लेखा हिदबो इफ यू हिट आइस, आपण जदि आइस को हिट करिवे एटा लेखा हिजी ताले ए साइड रे कोन हो इट टर्न इनटू वाटर, ताले एटा कोन रे कन्वर्ट हि जुवो वाटर रे। तो एटा देखंतु यू होचे सब्जेक्ट, एटी होचे बाहर रो वी1, सेमती एटी रहिला सब्जेक्ट, एटा बाहर रो वीएस, माने ए फॉर्मेट रे रहिला, बुझि पारथिबे। नेक्स्ट देखंतु टाइप 1, टाइप वन होची टाइप जीरो भाया सिमिलर, एटा होची प्रेजेंट सिंपल, माने प्रेजेंट सिंपल रो हैबिचुअल एक्शन हो कि अदर नॉर्मल सेंस रे में हमें प्रेजेंट सिंपल यूज करूँ। तो यार फॉर्मूला कौन इ प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन और वी एस, थिले सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वी वन और वी एस हम सेल विल प्लस वी वन हम। ताले कहिबाकु गले देखंतु दीटा रे डिफरेंस कोन आपणकर, फास्ट रे देखंतु जनरल ट्रू साइंटिफिक ट्रू थला बेले वी1 वीएस रहिला, एटा नॉर्मल प्रेजेंट सिंपल रहिला बोली एठी आपणकर गोटे नुवा जिंस ऐड हला जोटा होची सेल आउ विल। ठीक अछि, तो देखंतु यार भी एग्जांपल नबा, जेमति मु कहबी जदि आपण भलो से कठिन परिश्रम करिवे ताले इफ यू वर्क हार्ड यू विल क्वालिफाई, ताले आपण क्वालिफाई करि परिवे। यू विल क्वालिफाई, ताले आपण कोन करि परिवे क्वालिफाई द एग्जाम, एमती भी कहि परिवे। ताले देखंतु डिफरेंस कोन, एटा नॉर्मल प्रेजेंट सिंपल रहिला, सब्जेक्ट प्लस वी वन जेहेतु यू अछि, तापर देखंतु विल सेल आसिला,
ताले टाइप 0 1 भितरे डिफरेंस हेति कि यूनिवर्सल ट्रुथ जदी यूनिवर्सल ट्रुथ न होइतबो मेन क्लॉज रे सेल विल ऐड होबो ठीक अछि आई होप आपण माने क्लियर होतबे नेक्स्ट देखंतु टाइप 2 दीटा टाइप कवर करलु टोटल 4टा टाइप टाइप 2 टाइप 2 रे आपण कर कोन अछि पास सिंपल जते बडे इफ थिबो सब्जेक्ट थिबो आरो साइड रे वी2 थिबो माने सब्जेक्ट प्लस वी2 तारे कंडीशन मेन क्लॉज रे कोन होबो सब्जेक्ट प्लस सेटी सेल विल होतला इट इज शुड वुड प्लस वी1 होबो कोन होबो शुड वुड प्लस वी1 आपण एटी लेखि परिवे एडा फार्मूला आपण एटी लेखि परिवे इफ यू वर्कड हार्ड You would qualify ए टाइप रो भी लिखि परिवे ताले देखो तो 80 v2 सब्जेक्ट प्लस v2 ला अड़ को इट इज शुड वुड रो यूज हैला ठीक अछि नेक्स्ट देखो तो आ गोटे टाइप टाइप 3 अपन को बहुत कष्ट आसीबो ने नॉर्मल ए फार्मूला बेस नै पड़िबो ताले e प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस v3 जदी थिबो ताले अपन माने कोन करिवे मेन क्लॉज कोला बडे सब्जेक्ट प्लस सूड और वुड या कूड भी लागी परिवो प्लस हैव प्लस भीतरी तो अपन एग्जांपल नहीं परिवे इफ यू हैड कंप्लीटेड द जॉब You should have purchased a car. ताले आपन जदी आपन कर जॉब टा कंप्लीट करिवे ताले कोन हो आपन गोटे कार परचेज करी परिवे आराम से ताले देखो तो एटी हेड लागिला हेड परे v3 तो एटी कोन हला शुड वुड हैव लागिला तापर देखो तो पुनी v3 तो एटा ध्यान रखिबे इफ क्लॉज रो टोटल आपन कर एतिके थिला टाइप 0 1 2 3 हाँ आउ गोटे ध्यान रखु टाइप थ्री रे थरे थरे कौन करे क्वेश्चन इफ न लगे आपण हेड रु स्टार्ट कर दिए क्वेश्चन माने मु एप क्वेश्चन टाक एग्जांपल टाक अर्डर पैटर्न एमती भी लिखि परबी हेड यू कंप्लीटेड द जॉब टाइप थ्री रे ही चेंजटा हुए बाकी बात जी जोटा अच्छे से ठीक अच्छे तो देखो ये कौन चेंज है ये इफ ना बाकी आपको बुझीते पड़ो ये भार रु स्टार्ट ठीक अच्छे हेड टा आगो को पढ़े ची तो हेड यू कंप्लीटेड द जॉब बाकी इंटरोगेटिव वाला क्वेश्चन हबनी आपण को एटा पॉजिटिव इफ क्लॉज माने इफ क्लॉज रे रूल टा अछि कि इफ बदलले आपण भार टा को आगो को नै किना भी कंडीशनल हिसाब रे यूज करी परिबे ठीक अछि आई होप आपण माने क्लियर हेतिबे तो देखो तो क्वेश्चन रु स्टार्ट करिबा फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि इफ यू इफ ही हैड कॉल्ड मी अप हेड प्लस वी थ्री ताले हेड देखो तो लगी वी थ्री अच्छे ताले इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई अच्छी ताले ये कंडीशनल स्टार्ट है ब्लैंक अच्छे हिम ताले देखो तो आमे एबे रूल पढ़िलु कौन थिला एडा को पैटर्न अच्छे आगे पकेबे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री यही फॉर्मेट रे अच्छे मेन क्लॉज रे कौन हम सब्जेक्ट प्लस शुड या वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री एटा ही हम ठीक कि नहीं ताले सुड वुड प्लस है प्लस वी थ्री ताले देखो तो ये कौन को ऑप्शन टा अच्छे विल इनफर्म एटा हबनी विल हबनी वुड अच्छे तो एटा गोटे चॉइस रे रहिला इनफर्म हबनी ताले एटा भी एलिमिनेट एटा भी एलिमिनेट एटा भी एलिमिनेट हला ताले देखो तो मु सब गुडा इनकरेक्ट ऑप्शन देथिली तो यार करेक्ट कौन हम वुड हैव इनफॉर्म हम ठीक अच्छे माने बी वाला टा मॉडिफाई हेले ईडी लागिवो वी थ्री लागिवो तो एटा भी इनकरेक्ट करेक्ट आंसर कोटा एटा ठीक अच्छे नेक्स्ट देखु सेम पैटर्न क्वेश्चन अच्छी लिखाई ही हैड इनवाइटेड मी हाँ ये इफ्टा मिसिंग अच्छी इफ ही हैड इनवाइटेड मी
देन आई ब्लैंक अच्छी द फंक्शन कौन हम वुड अटेंडेंट अटेंडेंट विल हैव अटेंडेंट वुड हैव भी थ्री तो देखो तो ये कौन अच्छी ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी थ्री तो आर साइड रे कौन हम सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस भी थ्री तो यहाँ ही अच्छी कौन हम इफ ही हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेंट द फंक्शन ठीक अच्छे तो ये आपन को किसी एत मीनिंग बुझापी पड़ूनी जेन्युइनली आप फर्मुला बेस रे करि पारछन्ती हला से रूल अनुसार तापर देखंतु लेखा हिची इफ ही ओ आर यू जदि से माने जदि से तमे हितांते बा ए टाइप रो बस जदि से आपन हितांते ए टाइप रो मीनिंग दउची तो मन रखंतु ए टाइप रो एटा इमेजिनरी सेंस तो इमेजिनरी सेंस भोलिया सेतेबेले आपन सब्जेक्ट प्लस वी टू माने इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वी टू माने टाइप टू रो यूज करिवे ठीक अछि जो टाइप टू टा आपन पढ़ी किना आसले पास्ट टेंस सेटा यूज करिवे सब्जेक्ट प्लस शुड वुड प्लस बी वन शुड और वुड प्लस बी वन एटा टिके आपन नोट रे मेंशन कर देबे बा लेखि नेबे एटा टाइप टू मु लेखि दउछि कि टाइप टू जो रूल टा थिला एटा इमेजिनरी सेंस रे भी यूज हे पारिवो एटा रूल ठीक अछि तले ई प्लस सब्जेक्ट प्लस इमेजिनरी सेंटेंस रे ही पाखरे ओयर लागे जेमती आई पाखरे भी ओयर लागे इमेजिनरी सेंटेंस रे वाज लगे नहीं नॉर्मल वाज लगे कथा बाकी इमेजिनरी ओयर लगे ठीक अच्छे ध्यान रखिए इफ ही ओयर यू आई वुड गिव हिम माय कार तले वुड प्लस गिव प्लस माने व्हाट वुड प्लस भी वन हम ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो लिखाई आपणकर इफ ही वर्क्स हार्ड ही ब्लैंक अच्छी द जॉब ऑफ हिज चॉइस तले आपणकर कौन हम इफ ही वर्क्स हार्ड तले एठी लागला इफ पुनी आसला सब्जेक्ट प्लस भार रो वीएस वी1 और वीएस सही फॉर्मेट रे अछि तो एठी वीएस अछि तले एटा तो यूनिवर्सल ट्रुथ नु है जदि आपण कठिन परिश्रम रेगुलर करिवे ताले कोन आपण को चॉइस अनुसार जॉब पाइबे ए टाइप रो दैछि तले सब्जेक्ट प्लस सेल और विल तो एठी विल दैछि विल लेखंतु विल प्लस वी1 विल प्लस वी1 कोटा अछि आपण करो विल गेट ठीक अछि नेक्स्ट देखंतु लिखाई छि ई प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 तले ई प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 और वीएस सही फॉर्मेट रे आसीला तले आरो साइड रे कोन हो देखिबा तो देखंतु एटा यूनिवर्सल ट्रुथ वाला स्टेटमेंट जदि आपण आयरन को हीट करिवे बा जनरल ट्रुथ जदि आपण आयरन को हीट करिवे से जेन्युइनली एक्सपांड हो एटा जनरल कथा ट्रुथ कथा ठीक अछि तले सब्जेक्ट प्लस वी1 और वीएस रहइबो एटा सेल वेल दरकार नै एटा होछि आपणकर टाइप 0 रे जाउछि ठीक अछि टाइप 0 रे जाउछि तले इट एक्सपांड्स हो कोन पई इट थर्ड पर्सन सिंगुलर पकरे हमें भार रो वीएस फॉर्मेट लगो थर्ड पर्सन सिंगुलर जेहेतु हमें कोन लगेबा भार रो वीएस तले कोन होबो इफ यू हिट आयरन इट एक्सपांड्स नेक्स्ट देखंदो लिखाई छि इफ आई हैड मनी ध्यान दियंतु जेन्युइन कौन करती जो एग्जाम दिखती स्टूडेंट माने जेन्युइन देखो ये हेड लगी मैंने आम माइंड में सब था सार हेड लगी मैंने भी थ्री आसो आमर टाइप थ्री टा पड़ो तो ये हेड एमती भी हो पाए मन रखु हेज या हेब्र पास्ट टेन्स भी तो हेड हो पाए आपड़ एमती भी तो कहीपर आई हेव ए कार बा आई हेव ए बुक मो पाखे गोटे बुक अच्छी एपण गोटे बुक थी कहींपर आई हेड ए बुक मो पाखे गोटे बुक थिला तो नॉर्मल एटा सब्जेक्ट प्लस वी टू आसला सब्जेक्ट प्लस वी टू आसला माने कौन आपणकर पास्ट रो सिंपल तो पास्ट रो सिंपल हेले आरो साइड रे आपणकर कौन आसीबो सब्जेक्ट प्लस शुड या वुड एडी वुड लागछि तो वुड था वुड प्लस वी1 तरे एटा आपणकर ई प्लस सब्जेक्ट प्लस वी टू रे अछि ध्यान रखिबे एटा आपणकर टाइप टू रे जाउछ इंपोर्टेंट मने रखिबे एटा इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन आसे तले ई प्लस सब्जेक्ट प्लस एटा वी टू हैज हैव रो पास्ट टेंस हेड इफ आई हैड मनी आई वुड परचेज तले आपणकर करेक्ट आंसर कौन हम सी ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो यहाँ गोटे नुआ पैटर्न क्वेश्चन आपणकर स्पॉटिंग द एरर स्पॉटिंग द एरर माने आपणकर जोटा एरर अच्छी बाछिबे जदि एरर नथिबो आपण नो एरर रे क्लिक करिवे ठीक अच्छे ओनली एरर बाछिबार अच्छे तो स्टार्ट करिबा देखंतु लेखाई छि इफ यू हेड तो हेड हैला तापर भी थ्री
ताले सब्जेक्ट प्लस एटी हेड लगिला भी थ्री आसला इफ लगिला ताले एटा एते जाय आपनकर टाइप थ्री पैटर्न ने पढ़ू ची इफ यू हेड वर्क हार्ड यू विल पास एमती हबनी विल लगभनी आमर टाइप थ्री अदर साइड रे कौन लगे सब्जेक्ट प्लस सुड और उड तो विल अच्छी मैंने आप उड ही करेंगे प्लस हे प्लस भी थ्री ताले आपणकर एटी कौन हम उड ही हम उड प्लस हे प्लस एटा भी थ्री रे अच्छे तो ये विल न हो उड हम तो आम करेक्ट आंसर करूँ। नेक्स्ट देखो लिखाई व्हेन आई सेल सी हिम आई सेल टेल हिम नो एरर तो देखो तो आ गोटे रूल आपणकर जो इफ क्लोज लगे इफ क्लोज साइड रे केबे भी सेल या विल एमाने लगे माने मॉडल लगे मेन क्लोज रे आपणकर सेल विल रही पारे मेन क्लोज रे सेल या विल ए दुटा रही पारे बाकी इफ क्लोज रे केबे भी सेल विल रही इफ थाउ व्हेन थाउ माने एमाने इफ क्लोज रो पैटर्न तो एमाने मॉडल नेबे नी ठीक अछि तो एटा एरर तो व्हेन आई सी हिम नॉर्मल कथा आई सेल टेल हिम ताले एटी व्हेन लागिला कंडीशनल तापर आपनकर सब्जेक्ट आसिला तापर बाहर रो वी1 आसिला तो आरो साइड रे सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वी1 तो सेल या विल प्लस वी1 तो आपनकर एटा ऑलरेडी अछि सेल विल प्लस वी1 पैटर्न रे तो करेक्ट अछि एटा एरर थिला तो एरर बाछिला बेले आपन बाछिबे ए माने जदी स्पॉटिंग द एरर फॉर्मेट रे क्वेश्चन आपनकर पडिला ठीक अछि। नेक्स्ट तो यही क्वेश्चन टा आपन कमेंट सेक्शन में जनइबे मते कमेंट सेक्शन में लिखिकिना जनइबे एटा आपन क्वेश्चन नंबर 9 बधे ए क्वेश्चन टा कमेंट सेक्शन में आपन जनइबे समस्ते आ आपन को क्लास केमिति लागिला ठीक अछि सेटा भी कमेंट सेक्शन में जनइबे कोटा एरर अछि क्लास केमिति लागिला जनइबे समस्त को बेस्ट ऑफ लक आपन को एग्जाम पई भलो से पढंतु शीघ्र शीघ्र जॉब करंतु आपको अपकमिंग क्लासेस कौन दरकार सेटा भी निहाती कमेंट सेक्शन में जनइबे समस्त को थैंक यू।